हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकार हुसैन खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पेट मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आज उनका पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि व्हाट हैज़ एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह बेहतरी आई आपने एज ए टीचर, आपने बताना है तो वो किस तरह बताना है आप, मैं आपको इन वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आपने इसका आंसर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने सब कुछ कवर किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सो आंसर स्टार्ट करने के लिए पहले आपने इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। मैंने इस तरह स्टार्ट किया है, आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। बींग अ प्रोफेशनल इन एनी फील्ड नो बडी इज परफेक्ट, जो कि हर किसी को पता है। एवरी वन ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू इन देयर ओन फील्ड। बींग अ टीचर इन अ सोसाइटी इज अ ड्रीम फॉर दोज हु हैव अ हैबिट ऑफ बींग इन टच इन एजुकेशन फील्ड। तो इस तरह मैंने ये पैराग्राफ स्टार्ट किया। सेकंड पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल स्किल्स, एवर सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग इन एजुकेशन एज अ टीचर आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू एक्वायर मोर नॉलेज विद बेटर टेक्टिक्स टू इंश्योर पॉलिश द स्किल्स ऑफ दीज किड्स इन दिस लेवल। While conducting this project in my school, I came across few main strategies how to improve the different skills of these kids in this level. Next, मैं लिख रहा हूँ, moreover, I learned how to plan your class for the lesson plan, how to perform activity-based learning, and then how to assess these students, whether these students get anything or not from the lesson plan. Whenever a teacher plan their class in a better way, he or she desperate to see the results. Therefore, in the same way, I plan my lesson plan to improve the reading skills of students. इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के बाद मुझे ये पैदा हुआ कि मैंने अपना लेसन प्लान बेहतर से बेहतर बनाया। और आपको पता है कि जो भी टीचर अपना लेसन प्लान बनाता है तो वो रिजल्ट भी अपना असेस करता है, स्टूडेंट्स को असेस करता है कि whether he or she getting anything or not. Furthermore, through this project, I execute my plans inside the classroom with a couple of strategies. मैंने अपनी strategies apply की class के दौरान in each different day, हर एक अलग दिन में. So the purpose of these strategies is to improve their reading skills through various activities. So this project enhanced my capability to organize these strategies in a better way to conduct better results. This way I arrange few activities. This project gave me the opportunity to know what strategy is the best for your goal to the in the sense of reading skills among the students. So मैंने आपको बताया कि ये project करने से पहले मैंने मुझे reading skills में students की मसला आ रहा था, तो मैंने मेरे जहन में मुख्तलिफ strategies थी, मैंने एक organized तरीके से उनको implement किया और मुझे पता चला कि कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स को जो मसला आ रहा है उनको हल करने में। नेक्स्ट, दिस प्रोजेक्ट फर्दर एनहेंस माई एबिलिटी हाउ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन यू कैन कम्युनिकेट विद योर कोलीग फॉर एनी प्रॉब्लम यू फेसिंग इन योर फील्ड। Likewise, in this project, I discuss the core problem of reading skills among different students of different grades at elementary level of education. So, ये project करने से मुझे ये पैदा एक और हुआ कि जो भी problem मुझे आ रहा था पेश, तो वो मैंने अपने colleague से किस तरह communicate करना है उसका तरीका मैंने इस project से सीखा।
This project improved my judging skills to judge your students who facing different problem inside the classroom environment. Likewise, in this project, I perform this kind of task very often, every now and then, in order to overcome the problem of these students. So, while completing this project, it gives me a lot of help to judge my students more closely than ever before. So, ye paida bhi mujhe hua. Now, furthermore, while conducting this project, it ensured me how to solve a problem, from where you can start to solve the problem in education field inside the classroom, which step you should take first in order to resolve the problem step by step. So, ek paida ye bhi hua ki agar कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ रही है तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, कौन सा स्टेप आपने फर्स्ट लेना है, तो ये भी मैंने इस प्रोजेक्ट से सीखा. इन जनरल मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, इन जनरल दिस प्रोजेक्ट हेल्प्स मी अ लॉट इन माय प्रोफेशनल स्किल्स. बिफोर दिस आई नेवर नो व्हाट वाज माय वीक पॉइंट्स इन माय लेसन प्लान, हाउ टू प्रिपेयर माय लेसन प्लान, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लेसन प्लान टू अचीव सर्टन टास्क. Together, this thing made this project more valuable to a student who completing a professional degree in this level. This is one of the best initiative from AIOU, which further enhance the abilities and overcome the problem of teacher and student in the field of education. तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी स्टूडेंट ये डिग्री कंप्लीट करता है तो वो इस मराहल से गुजरता है, आखिर में वो अपनी स्ट्रेटजीज बेहतर तरीके से वो इम्प्लीमेंट करता है इनसाइड द क्लासरूम, वेदर इट इज़ एजुकेशनल और एनीथिंग. सो कहने का मकसद ये है कि एक बेस्ट इनिशिएटिव है, बहुत सी चीज़ें आपने मुझसे अलग सीखी होगी, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया. सो आई होप ये लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ की, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि रेफरेंस के बारे में है, और रेफरेंस APA स्टाइल में आपने देना है. आई होप उसमें कोई मसला आपको नहीं होगा. अगर कोई मसला हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे राबिता भी कर सकते हैं कि आपने एक अलग वीडियो रेफरेंस पे बना